आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल 24 न्यूज। देखते रहिए टीएनएन 24 न्यूज। हाय, मैं हूं अनुजा और आप देखते रहिए टीएनएन 24 न्यूज। ऑलराइट, सो बिग चीयर्स टू ब्लैक पैंथर सर्विस नागपुर। मंगेश उनकी टीम मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो बिग चीयर्स टू देम एंड ऑल द बेस्ट। और बहनों और मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी, देखते रहिए। मेरा नाम है विराज किलानी और मैं वीडियोस बनाता हूँ फील्ड कॉपी के। सर, नागपुर बहुत बढ़िया लगा, मैंने ज़्यादा घुमा नहीं अभी तक, हम लोग आए और अभी सीधा यहाँ पे आए, बट बहुत प्यारा शहर है, मुझे मालूम है इसके बारे में। एक बार पहले भी आ चुका हूँ, अभी भी आऊँगा। ये नागपुर से मेरे दोस्त, तो इन्होंने मुझे सारी अच्छी अच्छी जगह पे खिलाया खाना और यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह 6:30 बजे तीखा तीखा पोहा खाया मैंने, बहुत पड़ गया, बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा। फिर वो कहाँ हल्दीराम से, हल्दीराम कहते हैं यहाँ पर। कैसे लगते हैं यहाँ के लोग, कैसे लगते हैं? बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मतलब अच्छा, जैसे अच्छा जगह है यहाँ पे, मेरा आने का मन करता है। इसलिए तो दूसरी बार आ रहा हूँ। हाय, मैं हूँ रोहन रामलिंग, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। हम वीडियोज़ बनाते हैं फॉर अ चैनल कॉल्ड फ्यूचर कॉपी, तो जो भी लिखना, एक्ट करना, डायरेक्ट करना, सब हम लोग करते हैं। एंड मैं भी नागपुर से काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब बच्चों, मतलब मैं यहाँ पे सीखा हूँ, यहाँ पे काफ़ी टाइम किया, मुझे भी यहाँ पे से अच्छा लगता है, मुझे आना अच्छा लगता है लोगों से। पुराने भी यहाँ बट फिर घर घर मेरा यही है अभी तो फिलहाल, बट मेरे फैमिली प्लान पता नहीं, बट मैं हर बार दो महीने में एक बार प्लान करता हूँ कि पे आ जाऊँ। यूट्यूबर बिजनेसमैन भी हूँ, बॉम्बे से हूँ। यूट्यूब में करियर स्टार्ट किया था और अब हम डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस चलाते हैं। यूट्यूब की टैलेंट मैनेजमेंट चलाते हैं। नागपुर आपकी, आपका है नागपुर? एक्चुअली मेरी फेवरेट सिटी है, मैं ताड़ोबा जाते रहता हूँ, तो साल में एक या दो बार आते ही रहता हूँ नागपुर। मैं मुझे इस सिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। कैसा लग रहा है आपको नागपुर? बहुत ज़्यादा संतरा लग रही है, संतरा लगे तो। यहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है, बहुत ही वो बिजनेस वाली मेंटेलिटी है, स्पेशली यूथ के दिमाग में ना बहुत ज़्यादा बिजनेस है। मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग खत्म हो गई तो मुझे बिजनेस ही करना था। मैंने एक फिटनेस का बिजनेस ट्राई किया था, वहाँ किसी ने हमसे कहा कि यार अगर आपको इसे मार्केट करना है, इसे बेचना है, तो सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग करो। उसकी वजह से मैंने सोचा कि यार चलो सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं। और फिर जब मैंने सोशल मीडिया एक बार स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि यार ये भी बिजनेस है, तो मैंने वो पहले वाला बिजनेस छोड़ दिया और फिर इसमें ही घुसे अभी 4 साल से यही कर रहा हूँ। चलो, हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप बहुत ऊंचाई पर जाए और TNN 24 न्यूज़ चैनल में हमेशा हमारे साथ दिखे। मैं दर्शकों से भी यही प्रार्थना करूँगा आपके सर के लिए, दुआएं कीजिए उनके लिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। मैं नागपुर से आपके अपने शहर से हूँ नागपुर से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक फिटनेस मॉडल हूँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आई ओन अ क्लिनिक इन नागपुर, नागपुर क्लिनिक नाम से मेरा क्लिनिक है नागपुर। एंड आई हेल्प पीपल टू बी ट्रांसफॉर्म फिटनेस जर्नी। सेकेंडली, आई बिलोंग टू फैमिली, मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं सोचता हूँ मेरी फैमिली में, तो ये लाइन में आया है, बीइंग अ मारवाड़ी आई हूँ, कितना डिफिकल्ट होता है ये फील्ड में आना। बट यस, यू हैव टू प्ले द स्टीरियोटाइप्स टू बी द पार्ट अगेंस्ट, एंड आई एम वेरी प्राउड फॉर दैट। सर, मुझे आपकी जैसी बॉडी बनाना है, इसी बॉडी शॉप मुझे क्या करना होगा सर, बताइए। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट डाइट, न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट। आप कितना अच्छा डाइट करते हो, कितना अच्छा वर्कआउट करते हो, उस पर डिपेंड करते हैं। एंड लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क होना चाहिए।
जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप हार्ड वर्क करोगे यू विल गेट रिजल्ट, बट टाइम लगेगा। आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सस्टेनेबल रिजल्ट। सेकेंडली बिल्डिंग बॉडी, ऐसा नहीं है कि आपको मसल्स बनाने हैं, आप इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर आप इनसाइड फिट हो तो बहुत अच्छी बात है, आउटसाइड फिट दिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी इनसाइड की फिट चाहिए। अब पता चला कि नागपुर के नाम से हम क्यों करते हैं, नागपुर का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ टिश्यू वाला काम हो जाता है। जब सर की जैसी बॉडी वाले लोग यहाँ नागपुर में रहते हैं तो किसी की वजह नहीं कि वो कोई नागपुर वालों की तरफ आगे उठा कर दे, है ना। तो सर ये बॉडी कितने दिन का आपने अचीव किया है? फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे 17-18 ईयर्स हो गए वर्कआउट करते हुए, लेकिन हाँ एक अराउंड 2 ईयर्स, लाइक 2 साल का एक समय बहुत अच्छा होता है कि जिसमें आप बहुत अच्छा फिजिक आप डेवलप कर सकते हो नेचुरली। बॉडी बिल्डिंग में आज लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं, जो शॉर्टकट्स हम लोग सजेस्ट नहीं करते, ना मैं खुद प्रमोट करता हूँ ना मैं यूज करता हूँ। तो बेटर है कि आप ऐसे शॉर्टकट यूज ना करें, शॉर्टकट मतलब स्टेरॉइड्स से आप दूर रहें, बिकॉज स्टेरॉइड्स एक बहुत ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट है अपनी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी का। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप नेचुरल वे में आप इसको बिल्ड करोगे, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन आपका बॉडी अच्छा रहेगा। सर ये जो भी आज के नौजवान लग रहे हैं ये सीख रहे हैं, ये इन लोगों इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नौजवान बच्चे हैं जो ये नई पीढ़ी है? नागपुर सबसे ज़्यादा बदनाम है राइट, यस यस यस। यहाँ पर भी नाइन बार मोदी जी जो अपने कैंपेन चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक उल्टा हो जा रहा है, यस उल्टा हो रहा है। सेकेंडली आज ये करने का कीमत है 20 और कोई भी 20 से 30 रुपये करने की कीमत है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बंदा 1000 रुपये नशे पे फूक रहा है महीने का, उससे अगर आप बॉडी पे डालेगा उससे आप पनीर आप बादाम मतलब बॉडी के लिए कुछ बॉडी के लिए आप कुछ भी यूज़ करो, 1000 रुपये के आप 1000 की जगह 5000 डालो, लेकिन आप अपनी बॉडी पे डालिए। आप अगर खा रहे आप खुद मेरे को नहीं खिला आप खुद खा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड एंड ऑफ द डे आपको ये रिग्रेट नहीं हो कि आपने गलत काम किया, हमारे गारंटी के साथ नशा करता है इनमें कभी ना कभी मैं आज तक कभी नहीं सोचता हूँ कि मैंने कभी पैसा वेस्ट किया है। सोचता हूँ अच्छा अपने बॉडी के साथ किया हुआ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी ने कुछ कहा था दोस्तों के वो हमारा दोस्त नहीं जो हमें एक बार सिगरेट दे या खड़ा दे या हमें खिलाए दूसरे को खिलाए, मतलब दूसरे दोस्त वो अपना दोस्त नहीं बल्कि वो दुश्मन हो। कैमरा मैन हमें के साथ रिया शेट्टी, NN24 न्यूज़, नागपुर।